कैसे हैं आप? आप सब ठीक होंगे? आज मैं माँ की दाल और राजमा मिक्स करके बना रही हूँ। ये बहुत सी जगह खाई जाती है और बहुत टेस्टी होती है। आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने गैस का प्रेशर कुकर रख के पानी रख दिया है और पानी उबल गया और मैं सबसे पहले माँ की दाल डाल दूंगी। और अब मैं राजमा डाल रही हूँ। इसमें मैं नमक डालूंगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए नमक। और ये हल्दी डाल रही हूँ मैं, और हींग कई लोग जब मसाला बनाते हैं तब डालते हैं, पर मैं पहले ही डालती हूँ। जब स्टीम आएगी कम से कम 20 मिनट में इसको स्टीम दूंगी। ये उबल रहा है माँ और राजमा की दाल। अब मैं इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ। तो 20-25 मिनट लगेंगे। ये देखिए स्टीम आ गई, मैंने लेट कर दिया। और जब रश करेगा तो मैं धीमी आंच कर दूंगी और 20-25 मिनट लगाऊंगी गैस। गैस रेस्ट कर रही है और मैं धीमी आंच कर रही हूँ और 20 मिनट लगाऊंगी। फिर माँ की दाल और राजमा उबल गए हैं। राजमा मैंने भिगो के रखे थे कोई 2 घंटे, और सफेद राजमा लिया है वो जल्दी गल जाते हैं। 25 मिनट स्टीम दी है मैंने और वो तैयार है। प्रेशर कुकर मैंने हटा दिया है। अब मैं इनका मसाला बनाने लगी हूँ, तड़का लगाने लगी हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में काफी करारा बनता है। आप जैसा भी चाहें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है और मैं इसमें सबसे पहले अदरक डालूंगी। अदरक हल्का सा फ्राई करना है। अब मैं लहसुन और प्याज डाल दूंगी। कई लोग क्या करते हैं, जब ये माँ की दाल और राजमा उबालते हैं लहसुन अदरक साथ ही डाल देते हैं और खाली प्याज का ही तड़का बनाते हैं, लेकिन मैं अलग से बना रही हूँ। देखिए तैयार हो गया, ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें मीट मसाला डालूंगी। ये 1 टीस्पून है मीट मसाला।
इसको हल्का सा फ्राई करूंगी ताकि इसको खुशबू निकले। अब मैं टमाटर डाले हैं, टमाटर को मैं अच्छी तरह छिलका उतार के और इनके बीज निकाल के मैं डालती हूँ। मैं छिलका और बीज को इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा पानी डालूंगी। चार ये हरी मिर्चें मैंने काट के उसी को वो डाल दी। माँ की दाल और राजमा लोग सब्जी में बड़ी बनाते हैं, इसके साथ मक्की की रोटी खाते हैं। वैसे चावल तो खाते ही हैं, बड़ा मजा आता है चावल के साथ ही, लेकिन खासकर के मक्की की रोटी के साथ तो बड़ा ही अच्छा लगता है माँ की दाल और राजमा। मसाला मेरा तैयार हो गया, अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, पपीता मसाले दस चाहिए। मैंने 25 मिनट स्टीम दी थी और ये प्रेशर कुकर खोल दिया और ये देखिए तैयार हो गया। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी, बाहर डाल के फिर 10 मिनट में इसको उबालूंगी। ये देखिए हमारे माँ राजमा की दाल तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें गर्म मसाला डालूंगी। अब मैं गैस बंद करने लगी हूँ और ये हमारी माँ राजमा तैयार है। आप भी जरूर बनाइए, खाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ और गैस बंद कर रही हूँ। ये देखिए